एनएन न्यूज़ उत्तराखंड। विकासखंड जोशीमठ के रैनी गांव में 7 फरवरी को आए भीषण आपदा में रैनी गांव के पास बना पुल टूट गया। 10 माह बाद भी यह पुल नहीं बन पाया है, जिससे ग्रामीणों को ट्रॉली से आवाजाही करनी पड़ रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द ही पुल को बनाए जाने पर चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण करने को लेकर कई बार लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को भी लिखित रूप में आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक पुल निर्माण का कार्य नहीं हो पाया है। कि देखो, हमारे ग्राम सभा रेणी में जो वार्ड में जो 7 फरवरी को आपदा आया है, आपदा आया उस टाइम से अभी कोई पुल का निर्माण नहीं हुआ, पुल बह चुका था। अभी हमें ट्रॉली का निर्माण करना पड़ रहा है, ट्रॉली में चलना पड़ रहा है, और ट्रॉली वाले भी नहीं है वक्त पर। ट्रॉली वाले ईडीएम को भी कागज लिखा था, ईडीएम ने भी पीडब्ल्यू को दिया कागज, गोपेश्वर डीएम कोर्ट के डीएम के पास कागज दिया, अप्लीकेशन जो भी लिखा था मेरा, वो भी अभी कुछ फायदा नहीं मिल रहा है हमें हैं। आज मुख्यमंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हम पूरे ग्राम सभा हम ये जानते हैं कि हम चुनाव के निर्विरोध करेंगे और चुनाव का विरोध करेंगे। बस हमारा व्यवस्था करेगा, पुल का निर्माण करेगा, कब तक हमारे शादी विवाह में, कब तक हमें ट्रॉली में खींचेंगे, कब तक करेंगे हम व्यवस्था। शादी विवाह पुल का निर्माण होने से जगह जगह से लोग आएंगे तो हमारे। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ उत्तराखंड।